तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से 3 वीडियो का लिंक और आपको काइनवेस्ट एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो वीडियो का आगे तरफ लेकर आना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो का आगे तरफ बढ़ाना है, वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने डिस्क्रिप्शन से ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माधुर दीक्षित का सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग का पार्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैचिंग के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लिफ्ट कर देना है, और इस पर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ लास्ट तक आ जाएगा। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है और इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट को वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर देना है, इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसे आपको इस तरह से जूम कर सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद फिर से हमें जो डाउनलोड के फाइल में आना है, अक्षय कुमार का ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। क्रोमा की पे आना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसे डन कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और इस तरह से इसे आपको जूम कर सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद आपको गोविंदा का जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको स्टार्टिंग का कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा देखने को, तो एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसे प्रेस करके रखना है, इसे लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो इस वीडियो में आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड में लोगो आ रहा है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया हूँ मैं। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, क्रॉपिंग पर आना है और इसे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको इसे क्रॉप कर देना है, इसको डन करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है रोटेट का, रोटेट पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और इसको हमें क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एडजस्ट आपको कर सकते हैं सही तरह से बिल्कुल आपको, ठीक है। इसके बाद डन कर देना है, इस पर क्लिक करना है और इसे आपको इस तरह से जूम कर सही से आपको यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट आपको कर देना है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर क्रोमा की इनेबल नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से आप करके एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो अब जो है ऐसे एडजस्ट हो चुका है, इसके बाद डन कर देना है। तो इस तरह से आपको क्रोमा की को भी इनेबल कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है। हमारा वीडियो यहाँ पर तैयार हो चुका है। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।